ए तेरी बांसुरिया समरिया, तेरी बांसुरिया काली नागिन बन के डस गई, मोहन तेरी बांसुरिया वृंदावन बिहारी लाल की जय। इधर सुखदेव जी समझा रहे हैं राजन परिचित, भगवान कन्हैया अपनी लीलाओं को दर्शा रहे दारे और उतारे भगवान कन्हैया के जो भाई थे बलराम, उनका विवाह हुआ रेवती के साथ में, जो सत्ययुग में 21 हाथ की लंबाई थी और आज या कलयुग में हर इंसान की 3.5 हाथ की लंबाई रह गई। और लला प्रकाश जहां तक की बताया है कि जो हमारी हिंदी भाषा थी बोलने में बड़ा अच्छा लगता, जैसे कि पहले कॉलेज से कहते मदरसा और उसके बाद स्कूल, अब डायरेक्ट हो गया कॉलेज। पहले पिताजी कहते तो बड़ा अच्छा लगता, माताजी कहते थे तो बड़ा अच्छा लगता, पिताजी से पापा, पापा से हो गए डैड और माताजी फिर मम्मी और मम्मी से हो गए मॉम। सब कुछ बदल गया है। जहां तक कि हम दिल्ली गए प्रोग्राम करने तो एक लड़की अपनी मम्मी से डायरेक्ट मामा कह रही है। सब कुछ बदल गया है। हिंदी भाषा थी हमारी बड़े अच्छे लगता था जब हिंदी भाषा बोलते थे। और आजकल इस फैशन के तौर पर धीरे धीरे सब संस्कृति बिगड़ती हुई जा रही है। मैं तो यही कहता हूँ, जब जब भागवत कराए तो किसी अच्छे भक्ता से भागवत करानी चाहिए। भागवत इसीलिए कराई जाती है जहां से सुधार हो, लेकिन ज्यादातर हमने तो ये देखा है जब भागवत होती है सुधार तो कम होता है, लेकिन पब्लिक बिगड़ ज्यादा जाती है। और ये फिर से श्रीमान शिव मंदिर के पुजारी छोटे लाल पाठक जी 51 रुपए से फिर दान करते हैं। और अर्जुन शर्मा जी की तरफ से 51 रुपए हमारी से व्यास गद्दी तक आए हैं। भगवान हमेशा खुश रखे। हमने देखा इतनी फैशन हो गई है कि माता बहना जब मांग भरती हैं तो क्यों भरी जाती है, पति की लंबी आयु के लिए बिहार में नाक से शुरू करती है सिंदूर को और जहां तक पीछे तक भरती हैं, नाक से शुरू करेंगी और पीछे तक। लेकिन हमने आज तक देखा है अब तो कोई भर्ती ना है, भर्ती है तो यही लगा लेंगी थोड़ी सी, बाकी बात दबा लेंगी, कब दिखे ना जाते सोचती होंगी मन में काकर पति हमारे ज्यादा जी, हम पहले मर जाए ताजा संगी ले जाए। पति की लंबी आयु के लिए मांग भरी जाती है। और तुझे मानस जन्म तुझको हीरा मिला,
और तू बिरथा गमाए तो मैं क्या करूं। भगवान कह रहे हैं तुझे खाने को अन्न और दूध दिया, मैंने क्या ना दिया, फल दिए, मेवा मिष्ठान दिया, तुझे खाने को अन्न मैंने दूध दिया, फिर अंडा खाए तो मैं क्या करूं। भगवान कह रहे मैं कुछ नहीं कर सकता, जब तू खा रहा है तो मैंने खाने के लिए अन्य प्रकार की सौदा दी है तुझे, और तुम सौदा को छोड़ करके जब गलत आ गए इसमें मेरा कोई दोष नहीं। यहाँ तक बताया गया है ये इंसान का शरीर है और नहीं जाने कैसी कैसी सौदाओं पर भागता है। अगर भैंस के आगे शराब की बांटी दद्दो तो पिएगी नहीं, लेकिन इंसान के आगे दद्दो पी जाएगा। भैंस के आगे मदरा दद्दो वो खाएगी नहीं, लेकिन इंसान खा जाएगा। जब लाश से हाथ लगाता है तो खूब नहाता है और बेजवान जीव को फिर मार मार के खाता है, छोड़ देता है भोजन जिसमें एक बाल होता है, और खाता है अंडा जिसमें किसी मैया का लाल होता है। लेकिन क्या बताएं, आजकल जो सच्ची बात कहता है वो ही गलत बन जाता है, जो मीठा बोलता है वो तो अच्छा है और कड़वा वचन देता है वो खराब हो जाता है। क्यों? लेकिन विचार करना माता बहने भाई बंधु, जो मीठा बोलता है और जो नमक की समान बोलता है तो समझ लो वो सच्चा मित्र है, वो साथ देने वाला है। जो मीठा बोलता है वो साथ देने वाला नहीं है। एक बार को मीठे में मिठाई में कीड़ा लग जाते हैं, लेकिन नमक में कभी कीड़ा नहीं पड़ेंगे। मीठे में कीड़ा पड़ जाएंगे, नमक में कभी कीड़ा नहीं पड़ेंगे। एक वजन बोले उसके बाद सही भक्ति देखेंगे। भगवान कन्हैया का विवाह रुक्मणी के साथ में कैसे हुआ? ताली सेवा करते हुए बोले माता बहने।